मैं हो रहा है 2:39, 3 बजने वाले हैं। और आपने जितनी बार भी मुझे वीडियो बनाते हुए देखा है, आपने ये करते हुए मम्मी को देखा होगा। ये देखो भाई, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से नेल पॉलिश नहीं लगी इनकी। लखनऊ में भी नेल पॉलिश लगा रही थी, फिर जब हम आगरा एक्सप्रेस वे पे आए तब भी नेल पॉलिश लगा रही थी। अभी आगरा पहुँचने वाले हैं, 150 किलोमीटर बचा है आगरा, अभी भी नेल पॉलिश लगा रही हैं। पता नहीं क्या करती हैं भाई। एसी वेंट में पहले ऐसे ऐसे करके ना सुखाती हैं थोड़ी देर, नेल पॉलिश पूरी 10 उंगलियों में लगा ली है, फिर ऐसे ऐसे सुखाती हैं, फिर जैसे ही मैं गाड़ी स्लो करता हूँ फिर नेल पॉलिश लगा। भाई क्या कर रही हूँ। सड़क की खासियत यह है कि देखो गाड़ी कितने पे चल रही है, ये देखो गाड़ी चल रही है लगभग 120 पे है, और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी रुकी हुई है। 100 की स्पीड यहाँ कुछ है ही नहीं भाई। देखो सामने लिखा हुआ है, आपके सामने बोर्ड पे आप पढ़ो, 100 की स्पीड लिमिट है। देखो 100, ठीक है, और यहाँ 100 की स्पीड पता ही नहीं चलती। सोचो अगर मैं 60 पे चलाता तो कैसा नज़ारा रहता। गाइस ये देखो शाम हो गई ऑलमोस्ट, और मम्मी एंटरटेनमेंट कर रही है फ़ोन चला चला के यूट्यूब पे। बोर हो गई बेचारी मम्मी। और ये देखो सूरज कहाँ आ गया, सूरज यहाँ है और नीरज वो आगे चल रहा है उड़ते हुए बजरंगबली। और ये हूँ मैं, और लगता है कि अब शाम हो जाएगी, 7-8 बजे तक ही पहुँचेंगे दिल्ली, क्योंकि सनसेट तो हो गया है और हम अभी तक आगरा भी नहीं पहुँचे, अभी आगरा पहुँचने वाले हैं। भाई साहब 100-120 पे चलता हूँ और BMW मर्सिडीज़ वाले ऐसे आगे निकल जाते हैं जैसे मैं 60-40 पे चल रहा था, और वो लोग सही जा रहे हैं सही स्पीड में। कभी कभी लगता है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि हायाबुसा ले लूँ, क्योंकि ये जो सड़क है ना अभी तो थोड़ा सा नैरो सा रोड है, आगे चल के थोड़ा चौड़ा और होगा, इस पर लोग हायाबुसा भगाते हैं 300 पे। तो मेरी भी बड़ी दिले तमन्ना थी 300 पे हायाबुसा भगाने की, सेफ्टी के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब बिना सेफ्टी के, सेफ्टी के साथ 300। मम्मी कह रही है 300। कितने की आती है पता है, कितने की आती होगी आपके हिसाब से हायाबुसा, आप बताओ जितने की हो अंदाजा लगाओ कितने की होगी। तो फिर 220 की दिलाई, अंदाजा लगाओ फिर भी कितने की होगी लगभग। तीन लाख की नहीं है, चार की हो जाएगी। और क्या वहाँ जहाज है? जहाज ही है। गैस करो, चार की नहीं है, गैस करो बताऊं। हाँ तो क्या 10 लाख की है वो? नहीं 10 की भी नहीं है, हायाबुसा की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड जनरेशन। 10 लाख की होगी तो क्या करेंगे उसको? 10 की नहीं मम्मी, 25 लाख की आती है ऑन रोड दिल्ली के शो। 25 लाख क्या करेंगे? चार पहिया गाड़ी लेके देखते रह जाए। हाँ ले सकते हो, 25 लाख में आराम से स्कॉर्पियो आ जाएगी बढ़िया वाली। 18-20 नहीं, 25 लाख की, 25 लाख की है हायाबुसा। देखा आपने भाई साहब, मम्मी कह रही है 25 लाख में इससे अच्छा कार आ जाएगी। ये तो सच बात है भाई, 25 लाख में तो कार आ जाएगी। लेकिन मम्मी जो टोरा उस बाइक का है ना, वो किसी कार का नहीं है। वो मर गया था सुना था, उसको देखा। अरे भैया हजारों लोग मरते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। गाड़ी से उड़ गया था। अरे तो भाई गलत तरीके से तो स्कूटर से भी उड़ जाते हैं लोग, ये कोई बात थोड़ी होती है कि साइकिल से उड़ा था। नहीं नहीं ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। 3 लाख की गाड़ी लिया था वो बाइक। कौन वो जो मर गया। कब की बात है? वो ग्रीन वाली बाइक थी वो। हाँ तो वो 1000 Pro की बात कर रही हो, वो तो निंजा की बाइक थी मम्मी, वो भी लगभग इतने की आती है, 20-22 लाख की आती है वो भी। हाँ वो 1000 CC की थी। नहीं उसका काम ही यही था, उसका काम ही था बाइक तेज चलाना, और वो 18 साल का था भाई, 18 साल का था, मैच्योर नहीं था। गाइस यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। शाम हो गई भाई साहब, यमुना एक्सप्रेसवे पे आते आते बंद करो उसको, अब जाके यमुना एक्सप्रेसवे पे आए हैं और 200 किलोमीटर अभी और बचा है, खींच के लेंगे। अब मैं जाने दूंगा 140 पे, जो ट्रिटी साइन हुई थी मम्मी से तेज ना चलाने वाली वो कैंसिल। अब 200 किलोमीटर बचा है और अब 140 पे चलेगी गाड़ी, मम्मी को बुरा लगे तो मम्मी चलती में उतर जाएगी।